अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं बना रही हूँ कोफ्ते। कोफ्ते तो भाई कुछ, यहाँ हमारी बन रही है मीट बॉल्स। मीट बॉल्स बोलते ना। हाँ मीट बॉल। अब ये हम बुनाई कर लेते हैं। मंतशा नहीं खा रही आज, पता है क्यों? बता मामा क्यों नहीं खा रही। मेरी मम्मी को बुखार हो गया। मंतशा को हो गया आज बुखार, देखो क्या हालत हो गई है। आप लोग दुआ करें इसके लिए, अल्लाह कि ताला जल्दी से इसको ठीक हो जाए। सेहतियाब। आमीन। मेरी मुन्नी जल्दी से सही होगी, फिर व्लॉग में हंसी खुशी आएगी। ठीक है चलो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं बना रही हूँ कोफ्ते। कोफ्ते वाली हूँ हमारे व्यूवर्स के साथ। आप मैं, देखें, कोफ्ते की रेसिपी शेयर करती हूँ आप लोग के साथ। आप लोग बना के चेक करिएगा। अगर ये देखिए, मम्मा ने सारी चीजें कोफ्ते की काटम पीटी कर ली है। प्याज कट कर ली है, आलू कट कर ली है, बाकी हाँ, टाइम नहीं सारी होता चीजें ना, जो है। टाइम नहीं होता ना, मैंने सब कर कर आके फिर आपको दिखाएंगे। ठीक अच्छा, हाफ है, ये है आधा किलो कीमा हमारे यहाँ, केजी कीमा ले लिया मम्मा ने। और ये दो प्याज हैं। ये दो प्याज कट कर लिए, अच्छे से चॉप कर लिए। हाँ, ये चॉप करके दो प्याज इसमें डाल दिए। ओके हो गया। ठीक है, और ये चने हैं, देखो भाई ये चने 50 रुपए के चने हैं ये। ठीक सही है। है, हाँ और इसमें हम डालेंगे 1 चमचा कश्मीरी मिर्ची, जो मैंने आपको बताई थी ना वो हाँ वाली। सही, ये हो गया धनिया। अच्छा गाइस, ये हरा हाँ, धनिया कितना? ये 1 गड्डी है, आधी गड्डी हम सालन में डालेंगे ऊपर से, और आधी गड्डी इसमें डालेंगे। ठीक है, सही है। ये रख दिया ओके हमने उसके लिए, और ये 2 प्याज हमने सालन के लिए रख दी। ये सही दोनों है, डन। सालन का हो गया। मतलब टोटल 4 प्याज लिए आपने, हाँ दो रखनी है और दो इसके अंदर डाल दिए। सही, और ये ले लिया हमने चने, 50 रुपए के बताया था आपको मैंने। इसको जी पीस लेना है, मसाले को पीसेंगे हम। ठीक है, और ये हम इसमें ही मसाले में थोड़ा सा, बिल्कुल हसबे जाएगा, नमक डालेंगे, बिल्कुल देखें तेज ओके हो ना हो गया। जाए ना, बाकी हम सालन में डालेंगे। सही है, और ये है गरम मसाला, 2 लकड़ियां और 4-5 लौंगे और 4-5 काली मिर्ची, सही है, ओके हो गया। ये भी डाल दिया। और ये हमारा आ गया पिसा जीरा, ये भी 1/2 टीस्पून, ओके हो गया। 1/2 टीस्पून बस। जीरा डालना है आप लोगों ने, और ये जो मम्मा ने बताया लकड़ियां, शकड़ियां, लौंग, शौंग बस, सब डाल लो। अब इनको पीस लेना है। अच्छा जी, पहले हाँ ये पीस होगी। हाँ पहले चने पीसेंगे। तो भाई आपने चनों को अच्छे से पीस लेना, फिर इसमें डालना ना। हाँ जल्दी जल्दी इसको चने को पीस लेते हैं, ये भी इसके अंदर डालना। पिसेगा। अच्छा ये भी पीसेगा, हाँ मतलब कोफ्ते बनाने में बड़ी मेहनत हाँ है। बहुत हाँ मेहनत है भाई। ला, मेरे हाथों में दर्द हो गया। मंतशा आप पीसोगी? आ जाओ पीस लो, पीस इधर आओ, इधर आके पीसो। खा लेना, छोले से पकड़ो। हाँ मंतशा पीसेगी। उल्लू 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 चलो उल्लू। मंतशा पीसो जल्दी चलो से। मंतशा सालन पीसो। तो सब गिरा दिया आपने। लो भाई, भाई तुम पका रही हो कि खा रही हो? खुद पीस लूंगी, छोड़ो जाओ, ये तो खत्म ही हो जाएगा, छोड़ो भाई खुद पीस गाइस लूंगी। ये जो है ना, इसने पकाया नहीं है, इसने जो है ना खाया है। पिस गया हमारा। वाओ, आज मम्मा ने शुरुआत की है सब चीजें बोलने की। तो भाई हमारा ये चना पिस चुका है, जितने भी इसका था ना, तो हमने इसका वो बना लिया पाउडर। ठीक है, देखो अच्छे से हमारा हो गया। अब इसमें हम ये कीमा पीसेंगे। अब कीमा पीसना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो बिस्मिल्लाह करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो गाइस, सिलबट्टे पे जो टेस्ट आता है ना पीसने का, वो मशीन से नहीं आता। क्यों मम्मा? मम्मा हर चीज जो है ना सिलबट्टे पे पीसती है, और बहुत ही जबरदस्त टेस्ट आता है। मम्मा कहाँ से लेकर आई थी आप ये सिलबट्टा? खरीदा था बेटा जैस्मिन शादी ने में। लाई तुम थी? जैस्मिन ने लाई थी? ओ ये ये देखो, मेरी अम्मी का है। मेरी अम्मी ने दिया है, ये मेरी अम्मी ने दिया है। लड़ लो यहाँ। मम्मा मेहनत करती हुई, ये देखो ये पीस रही है मम्मा। मेहनत में ही अजमत है बेटा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। खाने में तो 2 महीने लगते हैं, मेहनत करने में 6 घंटे लगते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बस थोड़ा सा रह गया, ये पीसते हैं और फिर इंशाल्लाह अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं मेकिंग का, बनाने का कोफ्ते। तो भाई यहाँ मम्मा जो है ना मेहनत कर रही हैं,
और यहाँ आना है मंतशा को। देखो मंतशा क्या कर रही हो, सीख रही हो मम्मा से बनाना? बनाओगी कब? जब बड़ी हो जाएगी। जब बड़ी होगी तब बनाओगी? ऐसी बनाओगी सेम टू सेम? तो मम्मा के हाथ का टेस्ट लेगी मंतशा। हाँ आप बली होगी ना फिर बनाना, ठीक है? चलो सही है। हमारे कीमा तैयार हो चुका है, आप लोग देख सकते हो ये अच्छे से पिस चुका है। इसको हमने इसमें बाउल में कन्वर्ट कर लिया। ओके अब इसके अंदर हम डालेंगे ये जो हमने बनाया था ना पिसा हुआ वो पाउडर बनाया था ना उसका, चनों का। फिर इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो भाई मम्मा ने हमें यहाँ बुला लिया कि कोफ्तों की तैयारी में शुरू कर रही हूँ, आ जाओ किचन में। तो मम्मा यहाँ काट रही हैं चार टमाटर। ऐसे काटना पीसना है ना? अच्छा, वो मसाला सारा पिस गया आपका? हाँ वो मेरा मसाला पिस गया, वो उसमें खसखस डालनी थी, खसखस चीनी खसखस मंगाई है। ये टमाटर डाल दिए चार, अनियन डाल दी चार, प्याज दो प्याज डाल दिए हमने। हाँ ग्राइंडर में सही। और ये हरा धनिया दरक दो, ये पीस लेते हैं हम, ठीक है? इसमें हमने चार टमाटर और दो प्याज डाल के इसको ग्राइंडर कर लेते हैं, सही ग्राइंड कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी डाल दे, गया हमारा पेस्ट तैयार टमाटर और प्याज का। आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा टेक्सचर आया, हल्के से पानी में कितना गाढ़ा टेक्सचर बन गया हमारा, ठीक है? ये हमने बना लिया। अब क्या करना है? अब पतीली चढ़ानी चूल्हे पे। ओके हो गया। और इसमें ऑयल डालना है गरम करने के लिए। ओके हो गया। कितना डालना है ऑयल? ऑयल डालना है हाफ कप। हाँ हाफ से थोड़ा सा ज्यादा ले लो, कोफ्तों में रोगन अच्छा लगता है, हाफ से थोड़ा सा ज्यादा। सही है, हाफ से थोड़ा सा ज्यादा ऑयल लेना है। इसको पतीली में डालना है। हाँ। कम लग रहा है ये, पूरा हाफ फुल कर लो। चलो मतलब एक कप हमने ऑयल ले लेना है। पूरा एक कप। ओके सही, पूरा एक कप हमने ऑयल ले लेना है। कम लग रहा था हमें मम्मा को, ऑयल ना अच्छा लगता है उसमें ना कोफ्ते आलू में, जरा ऊपर से रोगन रोगन हो तो ये तेल हमारा गर्म होता है जब तक, तो हम फुल आंच कर देते हैं। यहाँ पे हम और चीजें डालने की तैयारी कर लेते हैं। ऑयल जैसे गरम होता है हमारा फिर हम आपको बताते हैं क्या आगे क्या करना है। तो भाई अभी जो है ना हमारा ऑयल जो है ना गरम हो रहा है अच्छे से, और इसके अंदर जो पेस्ट बनाया वो डालेंगे, फिर जो मसाले वगैरह हमारे रह गए वो डालेंगे, ठीक है? और अभी मम्मा मसालों की तैयारी कर रही है, तो जैसे मम्मा सारे मसाले निकाल लेती है तो हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या मसाले डालेंगे कोफ्ते में। मसाले बता दूं ना? चलो बताओ। ये सारे मसाले मैंने निकाल लिए। इसमें ले लिया हमने एक चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। ओके हो गया, ठीक है? और इसमें हमने ले लिया आधी चमची, ये देखो चमचे भी नहीं साथ लाई भाई, गैर जिम्मेदार औरत। आधी चमची जीरा पिसा हुआ। ओके ठीक है। और हसबे जायका नमक, सही। और कश्मीरी मिर्चे भर के एक कप, एक चम्मच, वन टेबल स्पून सही। और हल्दी तो मैंने हल्दी हाफ टी स्पून। ओके ठीक है। फिर हमारा ऑयल होता है गरम, तो हम ये स्पाइसेस जितने भी मिर्च है मतलब ये मसाले जितने भी हमने इसके अंदर डाले हैं, नहीं वो नहीं डालेंगे, ये नहीं डालेंगे। इसमें डलेगा जीरा और थोड़ा सा साबुत गरम मसाला। ओके तो भाई ये देख रहे हो आप लोग, ये जो है मम्मा ने सारे मसाले निकाल लिए एक मिर्च में। ओके हो गया। हाँ तो भाई वो जो ऑयल गरम हो रहा है उसमें सब डलेगा, एक दालचीनी का ये, एक बड़ी इलायची और ये लौंग, सही है? और काली मिर्च ले लेते हैं हम इतनी, सही।
ये आ गई हमारी काली मिर्चें, ये 5-6 काली मिर्चें समझो तकरीबन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, सही ये हो गया। और इसको हम बंद कर देते हैं, वापिस रख देते हैं जगह पे। तो भैया मम्मा जो है ना किसी ने प्याज काट रही थी और मंतशा जो है ना मम्मा के साथ खड़ी थी। मंतशा क्या हुआ? एक चमचा जीरा छोटा वाला। देखो भाई यहाँ पर इसके अंदर जो है ना हमने जो ऑयल के अंदर डालना है वो जीरा है और बाकी ये सब चीजें जो हमने एक प्लेट में निकाल ली है और गरम होता है हम इसको डालेंगे, ठीक है। हाँ जी क्या बता रही थी? आंख में दर्द हो रहा है तो हमने बोला था किचन में आके मम्मा के साथ खड़ी हो तो अंदर जाके बैठो, मिर्ची नहीं लगनी चाहिए, जाओ। ऑयल हमारा हो गया गरम, जाओ अंदर जाके लेटो। हो गया हमारा ऑयल गरम, ठीक है। ऑयल में हम ये डालेंगे, ऑयल के अंदर हम ये डालेंगे जो मैंने आपको बताया था कि क्या क्या डालना है। हाँ, इसी में हम टमाटर और प्याज का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसी में हम ये सब डालेंगे जो आपको मैंने मसाले दिखाए थे, ये सब डालेंगे। ओके हो गया, मसाले साफ करूं। ये देखो भाई क्या जबरदस्त पेस्ट लग रहा है, माशाल्लाह जी, रोगन, बिल्कुल रोगन वाला। इसके अंदर जो है हमने सारी स्पाइसेस, सारा जीरा शीरा जो भी था सब ऐड कर दिया। ये रोगन अच्छे से जो है ना हमने करना है, दम पे लगाना है इसको, मीन जिसके ऊपर हमने ढक्कन ढक नहीं, मसाले का पानी थोड़ा खुश हो रहा है तो उसमें हम ढक्कन ढक देते हैं। अच्छा ऐसे, फिर जो है ना इसके बाद जो हमने करना है उसकी भुनाई अच्छे से, जब तक ये ढक्कन ढका हुआ है तेज आंच पे जाना, देख लो तेज आंच पे बिल्कुल हम लोगों ने जो है ना इसको रख दिया है। अब जब इसका बिल्कुल एकदम अच्छे से बॉईल हो जाएगा, इसका पानी अच्छे से ऊपर आ जाएगा तो हम इसके अंदर इसको भुनाई करेंगे और इसके अंदर अपनी वो क्या डालेंगे, कोफ्ते। जी तो गाइस हमारा जब तक सालन हो रहा है भुनाई पे आ रहे हैं, इतनी देर में हम कोफ्ते बना लेते हैं। ये देखें जितने आपको बॉल छोटे छोटे रखने, बड़े बड़े वो आप अपनी मर्जी से, हम जरा मिड बॉल ऐसे रखते हैं दरमियाने साइज में। ये कोफ्ता बॉल बन रही है, कोफ्ता। हाँ। कोफ्ते बड़े बड़े कोफ्ते। तो भाई यहाँ हमारी बन रही है मीट बॉल्स, मीट बॉल्स बोलते हैं ना। हाँ, मीट बॉल। तो भाई जल्दी जल्दी से हम बना लेते हैं इन सब मसाले की मीट बॉल्स, ठीक है, तैयार करके फिर हम जो है ना सालन की तरफ चलते हैं, सालन की तरफ। तो भाई हम निकाल लेते हैं अपने कोफ्ते, ये बिस्मिल्लाह करें, ये हमने 10-15 मिनट के लिए रखे थे फ्रिज में। ये लो जी मम्मा आपके कोफ्ते आ गए, ये लो जी कोफ्ते, ये आ गए जी आलू। ये फाइनल प्रोसेस है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। सालन दिखाओ भाई, सालन दिखाओ क्या हो गया तैयार हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बुनाई पे आ गया ये। अब इसमें हम पानी डालेंगे, कितना अच्छा प्यारा कलर आया, कलर चेक करो आप। क्या करना, भून लेते हैं इसको और पानी डाल देते हैं, अब इसको भूनना स्टार्ट करेंगे। आलू भी डाल देते हैं, भुनाई कर लेते हैं आलूओं के लिए। आलू कितने लिए थे? आलू है या 8 अदर आलू होगा ना, इस पीस में कट करना है, ठीक है। 8 अदर डाले, हमारे आलू बहुत शौक से खाए जाते हैं। ये देखो भाई इसके अंदर हमने आलू डाल लिए हैं, अब ये हम भुनाई कर लेते हैं। भुनाई करने के बाद इसमें पानी डाल, कितनी देर भुनाई करनी है? बस। अच्छा आलू में मसाला लग जाए बस इतना, ठीक है। हाँ। और भाई ये कोफ्ते फाइनल स्टेप ये है कि हम कोफ्ते डाल के इसको रेडी कर लेंगे, ठीक है। कोफ्ते देखो माशाल्लाह कितने अच्छे बने, ये हम तकरीबन गिलास का हिसाब बता देती हूँ ना मैं। सही है, हमारे यहाँ शोरबा ज़रा पतला खाया जाता है ना, तो हम गिलास का हिसाब आपको बता देते हैं। ये हमारा हो गया एक गिलास, ये हो गया हमारा दो गिलास, बस 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 दो गिलास। अब क्या करना, अब ये थोड़ा सा एक उबाल आ जाएगा इसमें, फिर हम कोफ्ते डालेंगे। ओके हो गया भाई, अब उबाल आने का वेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अपने कोफ्ते ऐड करेंगे। हमारा सालन जो है ना हल्का हल्का गर्म होना शुरू हो गया, बॉयल आना शुरू हो गया, अब हम डालेंगे इसमें कोफ्ते। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने डाल दिया कोफ्ता। डालने का तरीका भी सीखो कैसे डालते हैं। आलू से ना टकराएं, बस जगह बना के दे दें इनको नीचे की, ओके हो गया, जमीन पे लग जाएंगे। बस बस बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, सारी जगह ना ऐसे बिस्मिल्लाह।
तो आपने सारे कोफ्ते इसी तरीके से अच्छी ट्रिप के साथ जो है ना डालने ना। हाँ। देखो आपको टिप्स भी बता रहे हैं हम कैसे कैसे डालने ताकि कोफ्ते जो है ना हमारे टूटे नहीं, ठीक है। और अब इसके कोफ्ते डालने के बाद चमचा तो बिल्कुल नहीं चलाना, ना डालना है चमचा, बिल्कुल नहीं चेक करना बिल्कुल। और उसका मैं तरीका भी बताऊंगी कि चेक कैसे करना है आपने, ठीक है। ओके क्योंकि हमने सारे डाले, चलो जब तक आप ये कर लो। हाँ ठीक है। तो भाई ये जो है ना हमारे कोफ्ते जो है ना जब तक डल चुके हैं पूरे डल जाएंगे, उसके बाद जो है ना हम वेट करेंगे भाई इसका रेडी होने का, फिर आपको बताते हैं कि आगे के टिप्स क्या है। वेट करना होगा आपने थोड़ा सा, फिर मिलते हैं आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलो विप्रा बेटा आ जाओ। हाँ चलो चलो आ गए आ गए। क्या बना दिया, क्या हो गया? बस खत्म, बस हरा धनिया और वो नमक चेक करके नमक डाल देते हैं। और नमक पहले चेक कर लूं, सही है कम है। चलो जी माशाल्लाह जी हमारा सालन रेडी हो चुका है। अब इसमें हम डाल लेते हैं कोफ्तों में हरा धनिया। हरा धनिया हो गया, अब इसको हम ढक देंगे, बंद कर देंगे, बस हो गया। चलो बस डन सब कुछ। हाँ चलो जी भाई अब मिलते हैं हम आपको दस्तखान पर, क्योंकि आप दस्तखान की बारी टेस्ट करेंगे, आपको हम सब रिव्यू देंगे कि भाई कैसा बना है सालन। आप भी इसको घर में ट्राई करिएगा। नहीं पहले हम आपको देते हैं इसके रिव्यूज, फिर आप लोग बताइएगा कि इसको जो है ना हम ट्राई कर चुके हैं इन कमेंट सेक्शन लाजमी बताइएगा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मेरी रेसिपीज ट्राई करते हो और मुझे कमेंट्स आके बताते हो, और मैं हर एक की कमेंट पढ़ती हूँ और देखती हूँ कि मुझे खुशी होती है जैसे कि भाई लोग हमारी रेसिपीज ट्राई कर रहे हैं अपने घर में। तो बस इंतजार करते हैं जैसे ही इसका मतलब दम लग जाए हल्का फुल्का और इसको हम दस्तरखान लगाएंगे, फिर हम लोग इसको बैठ के खाएंगे। लग गया हमारा दस्तरखान, ठीक है। ये आ गए हम सब और ये आ गई मम्मा। मम्मा रेडी हो गए। हाँ, फाइनली कोफ्ते माशाल्लाह आप लोग देख सकते हो क्या लुक है माशाल्लाह कोफ्तों का। चलो निकाल दो माशाल्लाह जी माशाल्लाह। आ हा हा चेक करें आप लुक चेक करें माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो जी अब हम टेस्ट करके आपको बताते हैं, ठीक है। ये हमने ले ली है जी रोटी, छोटा सा लेंगे आज निवाला हम। और ये आ गया जी हमारा सालन, टेस्टी चेक इट आउट। ये आ गया हमारा कोफ्ता, ये आ गया हमारा आलू, आलू क्योंकि हमारे फेवरेट है। तो वाह वाह मम्मा वाह कमाल कर दिया, क्या कोफ्ते बनाए भाई क्या। तो भाई जल्दी जल्दी से आप खाते हैं हम लोग कोफ्ते हमारे, और अब देते हैं हम आपको पापा मम्मा का रिव्यू, ठीक है। ये लो मम्मा इसी में खा लो, ये प्लेट में खा के बताओ क्या रिव्यू है। पूरा कोफ्ता खा गई। चलो भाई मनाइल खा के बताओ, आओ मंतशा आ जाओ जल्दी से खाना खा के बताओ कैसा है। चलो चको भाई बिस्मिल्लाह करो। अच्छा खाया तो है नहीं, पेट में गया है नहीं। अच्छा है वाह क्या रिव्यू है भाई। बिस्मिल्लाह वाला बरकतुल्लाह। क्या टेस्ट है भाई, वो नरम कितने आतंकवादी टेस्ट है। अच्छा और देखो ये देखो सॉफ्ट कितने बने ही। देखो मम्मा खाओ, मेरे तो वैसे ही फेवरेट है। हाँ कोफ्ते एंड कोफ्ते मजे के ना, बहुत आला बहुत आला। तो गाइज आप लोग भी अपने घर में ट्राई करो, हमने आपके साथ रेसिपी शेयर कर दी है स्टेप बाय स्टेप, सब कुछ बताया कि कैसे बने और हमने कैसे खाए ये भी आपको बता दिया। तो कितने सॉफ्ट कितने नरम बने आपको एक एक चीज हमने इस वीडियो में दिखाई है। गाइज जल्दी पेट पूजा करते हैं क्योंकि बहुत टेस्टी बने, अब रहा नहीं जाता। आप लोग भी अपने घर में ट्राई करो, बनाओ और खाओ टेस्टी कोफ्ते, टेस्टी कोफ्ते, ठीक है जी। तो अब जो है ना हम लोग करते हैं जल्दी खाना पीना करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। भाई हम सब जो है ना खाना खा रहे हैं, मनाहिल अनाया पापा और मम्मा, और मंतशा नहीं खा रही आज, पता है क्यों? बताओ मम्मा क्यों नहीं खा रही? मम्मी को बुखार हो गया। मंतशा को हो गया आज बुखार, देखो क्या हालत हो गई है। आप लोग दुआ करें इसके लिए कि जल्दी से ठीक हो जाए। आमीन, मेरी मुन्नी जल्दी से सही होगी, फिर व्लॉग में ऐसी खुशी आएगी, ठीक है। चलो
और यहाँ पर हम सब खाना खा रहे हैं और मुस्सी वहां लाइव कर रही है। चलो आ जाओ, तुम भी खाना खा लो या वहीं भेजे? नहीं सही है, चलो तुम ये हम लोग खा लेते जल्दी जल्दी। फिर यहाँ बन रही है हमारी चाय, क्योंकि खाने के बाद अगर आप लोगों ने चाय नहीं पी ना तो खाने का मजा ही नहीं। आई हैव नो वर्ड्स, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है कि इतने लजीज, इतने डिलीशियस, इतने मतलब स्पाइसी तो नहीं थे, नॉर्मल मिर्चे थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लजीज बने थे कोफ्ते। और बस यही कहूँगी कि अब हम चाय वाय पीते हैं और सोने की तैयारी करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, कॉमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग और बहुत सारी प्यारी प्यारी स्पेशल रेसिपीज के साथ, मम्मा के हाथ की, मेरे हाथ की, हमारे पूरी फैमिली के साथ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो उस वीडियो को जल्दी जल्दी से लाइक, कमेंट, शेयर करके अपने अपनों के साथ शेयर कर दो, ताकि वो लोग भी देखें और मजे करें, क्योंकि ये एक फैमिली कॉन्टेंट है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ और आप लोगों को पता भी लग गया होगा। तो भाई बाय 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 बाय, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं फिर आपको इंशाल्लाह आगे वीडियोज के साथ साथ। अपने ख्याल रखो, दुआ मुझे बहुत सारा रखो, याद रखो, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।